मध्य प्रदेश में किसानों की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिलहाल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर तो प्रदेश में खत्म हो गया है, जो करीब 20 से अधिक जिलों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन ये दौर अब फिर से आने वाला है। हालांकि अभी 3 दिन तक लोगों को तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी। कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच सकता है तो रात में तापमान 18 डिग्री को छू सकता है, लेकिन इन 3 दिन के बाद फिर से मौसम बदलेगा और किसानों के लिए आफत की बारिश करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च से प्रदेश का मौसम फिर बदल जाएगा और 3 दिन तक यानी 15 से 18 मार्च तक तेज बारिश, आंधी और ओले भी गिरेंगे, जिससे प्रदेश में 80% फसल पर खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च से पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। फिर अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते दक्षिण मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होगी। इसमें बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बड़वानी समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके बाद सिस्टम आगे बढ़ेगा और भोपाल, सीहोर, राजगढ़ समेत कई जिलों में बारिश शुरू होगी। 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश में तेज आंधी चलेगी और ओले गिरने की संभावना भी बनी रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।